नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। आज के न्यूज एनालिसिस में हम एयर इंडिया की बिडिंग और उसके 60,000 करोड़ के घाटे के साथ साथ टाटा सन्स को इस डील के साथ क्या फायदे हुए, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। एयर इंडिया जो कि 1960 से लेकर 1919 तक महाराजा था और 1960 के साल में एयर इंडिया एशिया की नंबर वन एयरलाइंस थी और 2004 के पहले एयर इंडिया को हर साल करोड़ों में प्रॉफिट होते थे। इसके अलावा 1996 के साल में एयर इंडिया को हर दिन 100 फ्लाइट उड़ती थी और हर साल मोर देन 10 लाख पैसेंजर एयर इंडिया की फ्लाइट यूज करते थे और यहां तक कि 2004 में एयर इंडिया को 92 करोड़ का प्रॉफिट था। ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंशियली प्रॉफिट मेकिंग और रैंकिंग में जिसका ग्राफ ऊपर था वो अचानक प्रॉफिट से लॉस में आ गई, जो आज करंट में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा एयर इंडिया पे कर्ज हो गया है और ये कर्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एयर इंडिया जो कि पिछले कुछ सालों से ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डूबी हुई है और कई लोग एयर इंडिया को ब्लीडिंग एयरलाइंस के नाम से भी बोलने लगे हैं, यानी कि एयर इंडिया को टेक ओवर करना एक बिगेस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर एयर इंडिया को खरीदना यानी कि किसी कर्ज को खरीदने के बराबर लोग मान रहे हैं। यदि हम बात करें एयर इंडिया के फाइनेंशियल लॉस के बारे में तो इसकी शुरुआत तब हुई जब 2007 में, जब 2007 में सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर कर दिया था। मर्जर के पीछे गवर्नमेंट ने फ्यूल की बढ़ती कीमत और प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों में मिल रहे कंपटीशन की वजह को बताया जाता है। हालांकि एयर इंडिया को 2004 में 92 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बट 2004 से लेकर 2008 तक में एयर इंडिया को 5,548 करोड़ का घाटा हुआ और 2021 तक एयर इंडिया का एनुअल लॉस यानी कि सालाना घाटा लगभग 10,000 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया। यहाँ पर मैं एनुअल लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मर्जर के बाद परेशानी बढ़ गई। एयर इंडिया पर कर्ज लगातार बढ़ता गया और एयर इंडिया पर 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज यानी कि घाटा था। इसके अलावा 2020 से 2021 के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया था कि एयर इंडिया को 9,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एयरलाइन पर अप्रॉक्स 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस एयरलाइन को प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है, यानी कि टाटा ग्रुप के टेक ओवर करने के बाद इस लॉस की भरपाई करने के लिए अब टैक्स पेयर का पैसा नहीं यूज किया जाएगा। एयर इंडिया के बिडिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 12,906 करोड़ रुपए डिसाइड किया था, यानी कि इस प्राइस के नीचे कोई भी कंपनी एयर इंडिया की बिडिंग नहीं कर सकती। यदि मैं और इसे सीधी सरल भाषा में बात करूं, यानी कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए किसी भी कंपनी को कम से कम 12,906 करोड़ रुपए देने ही होंगे, यानी कि 12,906 करोड़ रुपए से नीचे एयर इंडिया नहीं बिक सकती है, यानी कि 12,609 करोड़ रुपए से नीचे गवर्नमेंट एयर इंडिया को नहीं बेचेगी।
जिसमें कि केवल दो कंपनियों ने बिडिंग की। नंबर वन टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा सन्स यानी कि टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, और नंबर टू पर अजय सिंह जो कि कस्टोडियन थे और स्पाइस जेट को लीड करते हैं। यदि हम बात करें बिडिंग की तो एयर इंडिया की बिडिंग के लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बिडिंग लगाई और अजय सिंह ने 15,100 करोड़ की बोली लगाई। टाटा सन्स की बिडिंग ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने टाटा सन को एयर इंडिया की कमान सौंप दी। टाटा सन ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी ले ली है, जो कि आगे की फॉर्मेलिटीज़ साल दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद टाटा ग्रुप को कंप्लीट ऑनरशिप मिल जाएगी। एयर इंडिया पर 31 अगस्त 2021 तक 61,650 करोड़ रुपए का कर्ज था। नाउ टाटा ग्रुप का एयर इंडिया पर 100% ऑनरशिप के बाद 61,560 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, उस कर्ज में 15,300 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप चुकाएगी, जबकि बाकी के 46,262 करोड़ रुपए AIAHL यानी कि एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी भरेगी। इसका मतलब उसकी बैलेंस शीट पर मौजूदा 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज सरकारी कंपनी AIAHL के पास जाएगा, और डील में एयर इंडिया की ज़मीनें और इमारतें सहित सभी नॉन एसेट को नहीं बेचा जाएगा, जिसकी कुल कीमत 14,718 करोड़ रुपए की ये एसेट सरकारी कंपनी AIAHL के हवाले कर दी जाएगी, और कार्गो के साथ साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी भी मिलेगी। यदि हम इसे और सरल भाषा में बात करें तो इसमें 18,000 करोड़ का जो फिगर है उसमें से 85% यानी कि 15,300 करोड़ का जो कर्ज है, इसमें 18,000 करोड़ का जो फिगर है उसमें 85% यानी 15,300 करोड़ कर्ज है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो कैश वॉल्यूम है वो 2700 करोड़ है, यानी कि 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देने के बाद एयर इंडिया पूरी तरह टाटा सन के अधीन हो जाएगी। और यदि हम बात करें कि इस बिडिंग के बाद टाटा ग्रुप को क्या मिलेगा, तो हम बताना चाहते हैं कि इस बिडिंग के बाद टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी मिलेगी, यानी कि अब एयर इंडिया में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा कार्गो सर्विसेज यानी कि जिसमें सामान को इधर उधर पहुंचाया जाता है, जिसे हम एयर इंडिया एक्सप्रेस कहते हैं, वो कार्गो सर्विस भी टाटा सन्स को मिल जाएगी। इसके अलावा ग्राउंड हैंडलिंग का सारा कुछ टाटा सन को चली जाएगी, और इसके अलावा अप्रॉक्स 4,400 डोमेस्टिक लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी मिलेंगी। और आपको बताना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा पार्किंग स्लॉट पूरे इंडिया में किसी एयरलाइंस के पास नहीं है, और यदि हम बात करें इंटरनेशनल पार्किंग स्लॉट की तो अप्रॉक्स 1,800 पार्किंग स्लॉट भी मिलेंगे। और यदि हम बात करें फ्लीट साइट की यानी कि विमानों की नंबर की, तो टाटा सन्स को एयर इंडिया की 127 विमान भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि टाटा सन्स को इस डील में क्या नहीं मिलेगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि नॉन कोर एसेट यानी कि एयर इंडिया द्वारा
यूज की जाने वाली जमीनें जो कि बिजनेस के रिलेटेड नहीं है और बिल्डिंग यानी कि एयर इंडिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग पूरे इंडिया में और कई बिल्डिंग मेट्रो सिटी के पोर्ट्स एरिया में है जिसकी कीमत करोड़ों में है, वो चीज़ें गवर्नमेंट अपने पास रखेगी जिसकी वैल्यू 14,718 करोड़ है। ये सब एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफ़र होगा। इस समय एयर इंडिया के पास 117 विमान है और एयर इंडिया एक्सप्रो के पास 24 विमान अलग से हैं। यदि हम बात करें टाटा ग्रुप की एविएशन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो मेनली विस्तारा एयरलाइंस एयर एशिया में है। यदि हम बात करें विस्तारा एयरलाइंस के बारे में तो टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइंस में 51% की हिस्सेदारी है। यदि हम बात करें एयर एशिया की तो एयर एशिया में टाटा ग्रुप की 84% हिस्सेदारी है, यानी कि टाटा ग्रुप पहले से ही दो एयरलाइन चला रहा है, एक विस्तारा और दूसरा एयर एशिया। तो अब एविएशन इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप के पास अकेले लगभग 25% की हिस्सेदारी हो जाएगी। यदि हम बात करें एविएशन इंडस्ट्री में जितनी भी एयरलाइंस है उन सभी एयरलाइन का टोटल मार्केट में क्या हिस्सेदारी है तो आप पाएंगे एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वह टोटल मार्केट का 13.3% है। और यदि हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस की तो इस एयरलाइन का मार्केट शेयर टोटल मार्केट शेयर से ज़्यादा है। इंडिगो यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है जिसके हिस्सेदारी टोटल मार्केट शेयर का 57.6% है। यदि हम बात करें एयर एशिया की तो एयर एशिया का मार्केट शेयर जो है वह टोटल मार्केट का 4.4% है। यदि हम बात करें गो फर्स्ट जो कि पहले गो एयर होता था उसका मार्केट में हिस्सेदारी 6.8% है। यदि हम बात करें स्पाइस जेट की मार्केट हिस्सेदारी 8.9% है और विस्तारा एयरलाइन का जो मार्केट शेयर है वह 8.2% है। यानी कि अब टाटा ग्रुप भारत में अकेले टोटल 3 एयरलाइन चलाएगा, एयर एशिया, विस्तारा और अब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ही चलाएगा। भारत की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की शुरुआत 88 साल पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने की थी। रतन जी दादा भाई टाटा जिन्हें जीआरडी टाटा कहा जाता है, यानी कि जीआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की और आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनलाइज करने के बाद एयर इंडिया रख दिया। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ले ली। फिर 1953 में तत्कालीन सरकार ने इसे पूरी तरह अधिग्रहण कर लिया, लेकिन 68 साल बाद आज एक बार फिर ये कंपनी टाटा ग्रुप के पास चली गई। लोग कहते हैं कि एयर इंडिया की 68 साल बाद घर वापसी हुई है, यानी कि 1953 में इस टाटा ग्रुप से इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को अपने कब्जे में ले ली थी। और अब 2021 में यानी कि 68 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाटा ग्रुप के पास फिर से वापस आ गई है। वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया में कुल 10,000 कर्मचारी हैं। इस डील के आधार पर टाटा ग्रुप को उन सभी एम्प्लॉई को मिनिमम 1 साल तक के लिए रिटेन करना होगा, लेकिन अगर दूसरे साल में टाटा किसी पुराने एम्प्लॉई को निकाल देती है तो
तो उस कर्मचारी को वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के तहत टाटा ग्रुप को उस एम्प्लॉई को सभी फैसिलिटीज जैसे कि एम्प्लॉय ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम और मेडिकल बेनिफिट देने होंगे। इस डील के आधार पर टाटा ग्रुप 5 साल तक एयर इंडिया के ब्रांड इस्तेमाल किया जाएगा। इस डील के आधार पर टाटा ग्रुप एयर इंडिया के ब्रांड को 5 साल तक यूज कर सकती है और 5 साल तक टाटा ग्रुप एयर इंडिया को किसी को भी नहीं बेच सकती है। यानी कि डील के आधार पर टाटा ग्रुप को कम से कम 5 साल तक एयर इंडिया को चलाना ही होगा और यदि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को कभी बेचना भी चाहे 5 साल के बाद तो वह किसी इंडियन को ही बेच सकती है। यानी कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को किसी भी विदेशी के हाथों में नहीं बेच सकते हैं और 5 साल तक टाटा ग्रुप एयर इंडिया का लोगो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।